छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को दुर्ग पहुंचे। इस दौरान वह दिन भर विलाई के कार्यक्रमों समेत विभिन्न आयोजन में शामिल हुए। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अक्षय पात्र द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान की कार्यशाला में शामिल नहीं हुए, जबकि जहां पर दुर्ग जिले के सारे बीजेपी विधायक मौजूद रहे। वहीं जब मीडिया के द्वारा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव से वैशाली नगर विधायक प्रतिनिधि के द्वारा एसपी को सोशल मीडिया पर दिए गए धमकी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अभी मीडिया के माध्यम से मुझे इस विषय की जानकारी प्राप्त हुई है, मैं जल्द ही इस मामले को देखता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर का समय चल रहा है, लगातार यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर अक्षय पात्रा की बड़ी योजना चलाई जा रही है, इस चीज को आज वास्तव में नजदीक से देखने का, समीप से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज यहाँ की पूरे प्रबंधन समिति को। प्रभु जी लोग ने जिस तरीके से इसको संभाल के रखा है और हमारे गौ माता का संरक्षण जिस तरीके से कर रहे हैं, और वास्तव में ये मेरे लिए तो बहुत अविस्मरणीय है आज का। बीजेपी बहुत संगठनात्मक एक संस्था है, पार्टी है, लेकिन यहाँ पे विधायक के द्वारा जो महादेव सट्टा के भाई के जो चला रहे हैं उनको विधायक प्रतिनिधि बनाते हैं और वो लगातार यहाँ जिले के एसपी को धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहिए? अभी मुझे आपके माध्यम से पता चला है और मैं इस पर बातचीत करूँगा।